हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सिलेबस के बारे में बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ओके जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस बी एड फर्स्ट ईयर सिलेबस यू हैव द सेवन पेपर ओके राइट तो फर्स्ट पेपर इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एज यू सी ऑन द स्क्रीन ओके हंड्रेड मार्क्स का पेपर है ये राइट सेकेंड पेपर है कॉन्टेपरे इंडियन एजुकेशन राइट थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग ओके फोर्थ के दो पार्ट है फोर्थ ए है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम राइट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम ये 50 मार्क्स ओके फोर्थ बी अगेन कांडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये भी 50 मार्क्स का ओके फिफ्थ पेपर जो है आपका दिस इज कॉल्ड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ओके ये अगेन 50 मार्क्स का है और दो आपके सब्जेक्ट्स होंगे हैं टीचिंग के सब्जेक्ट पेपर सिक्स एंड पेपर सेवन राइट गाइस तो ये आपके सेवन पेपर्स हैं बीएड है है. right के फर्स्ट ईयर में बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एनुअल सिस्टम है राइट गाइस जून के महीने में आपके पेपर होते हैं ओके okay. तो सेवन पेपर्स के बारे में आपको पता लग गया होगा अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो पांच पेपर हैं आपके जो कॉमन पेपर हैं जो मैंने आपको बताया शुरू के जो पांच पेपर हैं कॉमन ओके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सेकंड ग्रोइंग्रेरी इंडियन एजुकेशन थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग फोर्थ के दो पार्ट हो गए और फिफ्थ है जेंडर स्कूल, जेंडर स्कूल स्कूल एंड सोसाइटी राइट ये पांचों पेपर हैं सभी के लिए दोज हु कम फ्रॉम द आर्ट साइड दोज हु कम फ्रॉम बी एस सी साइड साइंस साइड बी सी ए बी टेक बी डी एस कोई किसी भी फील्ड में उसने ग्रेजुएशन की है तो ये पांचों पेपर उसके लिए कंपल्सरी हैं और दो पेपर हैं जो सिक्स पेपर और सेवन पेपर ओके दो पेपर हैं वो टीचिंग के आपने रखने होते हैं अकॉर्डिंग टू यूर ग्रेजुएशन वट वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव टेकन एट द ग्रेजुएशन लेवल ओके पांच पेपर कॉमन होते हैं ओके एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये पांचों पेपर है क्या चीजें बेसिकली ये पांचों पेपर टीचिंग मेथोडोलॉजी है ओके बी में बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि हमें पढ़ाना कैसे है ओके okay, तो ये पांचों के पांचों पेपर टीचिंग मेथोडोलॉजी के हैं आई होप ये छोटे से वीडियो में आपको बी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा और टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो भेजता रहूंगा गाइज ओके okay? जो भी मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आए रिगार्डिंग दिस कि सर ये चीजें क्लियर कर दो वो मैं आपको भेजता रहूंगा थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो